सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह साहब व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी प्रतिक्रिया करने वाले हैं जो कि हमसे एक चैलेंज ग्रुप में ये प्रतिक्रिया आई है। और मैं इसको बता दूं कि हमने एक चैलेंज रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि चैलेंज रखा है अपने आप से कि मैंने डेली व्लॉग लाने का 30 दिन में फ्रेंड्स 30 व्लॉग मुझे कंपल्सरी जो है लाना है। और काफ़ी जो है मुझे जो मतलब वो बोलते हैं कि भाई व्लॉग नहीं ला पा रहा है, क्या हो गया, और काफ़ी जो है बोलते रहते हैं। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स इनके बोलने से ही ये काम नहीं चल जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं जो मैं इग्नोर भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें क्या ही बताऊँ। बट मैंने आज एक खुद ही सोचा है कि मैंने 30 दिन में 30 व्लॉग ला के ही रहूँगा। और फ्रेंड्स आज मैं इस फर्स्ट व्लॉग से ये शुरुआत कर रहा हूँ और आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो हम आ चुके हैं कलेक्टर घाट गाजीपुर, जो कि ये घाटों में से एक जो है सुंदरता ग्रुप में एंड बहुत ही स्वच्छ घाट में, वैसे बहुत ज़्यादा ही स्वच्छ घाट है यहाँ पे। काफ़ी जो है यहाँ पे घाट्स का जो है निर्माण हुआ है और हमेशा जो है यहाँ पे आपको स्वच्छता दिखती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कलेक्टर घाट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पे मैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कितनी धूप है ना कि मुझे चश्मा लगाना पड़ गया यार। वैसे तो मैं चश्मा लगाता हूँ फ्रेंड्स, कहीं भी जाता हूँ इसमें गर्मी के सीज़न में, तो धूप में मैं चश्मा लगाता ही हूँ, क्योंकि आँख में बहुत प्रॉब्लम होती है और काफ़ी जो है धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है और मैंने सोचा था कि शाम को आऊँ मैं, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, थोड़ा काम रहता है कि शाम को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं आ जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि शाम को ठंडा ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे वीडियो शूट करने का बात ही कुछ अलग है। लेकिन मैंने फ्रेंड्स सोचा कि अभी जो है खाना वाना खा के घर से निकला हूँ। सो फ्रेंड्स हमने ये ठाना है कि 30 दिन में 30 व्लॉग करके दिखाना है। अच्छा फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि इतना बहुत मुश्किल तो है ये, लेकिन फ्रेंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि डेली व्लॉग अगर मैं नहीं करूँगा फिर आगे जाके फ्रेंड बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और मुझे डेली व्लॉग करना ही चाहिए, काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं और काफ़ी लोग मुझे जो है ये आया है कि भाई तू डेली व्लॉग कर, क्योंकि डेली व्लॉग से ही जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्ट को डिजर्व मिलेगा। सो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि ये मेरा जो है फ्रेंड्स पहला जो है एंड मैं अभी नहीं आया हूँ। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं माँ गंगा जो है कितनी शानदार रूप से जो है बह रही हैं, वाह इतने शानदार ऑप्शन देख सकते हैं, इस तरह जो है रहता ही रहता है एकदम यहाँ पे है। ये फ्रेंड्स गाजीपुर है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बताइए असम में आदमी मर जा रहे हैं बाढ़ से, घर में पानी पहुँच जा रहा है, हर जगह पानी पानी असम में। फ्रेंड्स बता दो इतनी जगह इतनी बुरी हालत हो गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप जो है गूगल पे सर्च या यूट्यूब पे जो है काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसाम में जो है इतनी बाढ़ के कारण लोग इतने परेशान हैं एंड बहुत ही फ्रेंड्स सबको दिक्कत हो रही है आसाम में। और यहाँ पे धूप, इतनी धूप है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पर जो है लोग उस तरफ, आप देख सकते हैं उस तरफ जो लोग वहाँ पर गंगा जी में खड़े हो गए तो पानी नहीं है, कमर के किनारे तक पानी है, वहाँ पे लोग मछली जो है वो मार रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक। फ्रेंड जो आप वहाँ पर पुल देख सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आप देख सकते हैं धीरे धीरे जितने भी लोग जितने भी घाट से वहाँ से जो वहाँ के लोग हैं और वहाँ तक फ्रेंड, ठीक है, तो आदमी वहाँ तक हैं खड़े होके। फ्रेंड्स जो है आइए चलते हैं नीचे, बताता हूँ आपको, दिखाता भी हूँ, ठीक है। जो खड़े होके ठंडे ठंडे पानी में मछली मार रहे हैं उनको भी आनंद आ रहा है और मछली मारने का जो है मज़ा भी उनको अच्छा तरह से ले रहे हैं सब, ठीक है। तो मैंने तो चश्मा लगाया है, उतना तो मुझे धूप इतनी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन मैं चश्मा उतार दूं तो वाह हमसे भाई नहीं हो पाएगा। चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है भाई धूप में, क्या ही बताया गया। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि इस गंगा मैया के आशीर्वाद से मैंने जो है यहाँ की शुरुआत की है इस फर्स्ट व्लॉग की। फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर ये फर्स्ट व्लॉग जो मैंने बोला है कि 30 दिन में 30 व्लॉग में क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझसे होगा, क्या कुछ दिक्कतें आएंगी, क्या मैंने ये आज बोला है कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा,
फ्रेंड्स अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, बट मैं इतना भी बता दे रहा हूँ कि मैंने ये ठाना है तो मैं डेली व्लॉग 30 दिन के अंदर ये करके दिखाऊंगा। ये मेरा खुद का चैलेंज है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स कि मैंने अपने आप को पहली बार जो है फर्स्ट जो है टाइम जो चैलेंज दिया है। एंड मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे फ्रेंड्स जो, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये व्लॉग हो पाएगा 30 दिन का जो मैंने चैलेंज रखा है, ये व्लॉग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो मैं देख सकते हैं फ्रेंड्स ये गंगा जी है और इतनी भी धूप फ्रेंड्स आ रही है जा रही है। ये गंगा जी का पानी, मोबाइल गिर गया तो चैलेंज तो गया हमारा, ये ही पहले से मेरा चैलेंज हो जाएगा अगर मोबाइल गिर गया गंगा जी में तो ऐसा तो दूरी खड़ा रहूँगा मैं, ठीक है। तो क्या पता कभी भी मोबाइल सरक सकता है नीचे और मेरा चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा भाई, आज ही कम्प्लीट हो जाएगा मेरा चैलेंज। सो फ्रेंड देख सकते हैं उधर अब जो लोग खड़े हैं ना वहाँ पे, वो देख सकते हैं फ्रेंड्स इनको बहुत मज़ा आ रहा है भाई, वाह इनको बहुत मज़ा आ रहा है। इनके लिए स्विमिंग पूल हो या ना हो गंगा जी बहुत ज़रूरी है भाई। यार हम लोग के लिए तो भाई जैसे तैरना वैरना तो मुझे आता नहीं है, बहुत कम, कभी कभार वैसे फ्रेंड्स के साथ चला गया तो चला गया। वैसे भाई ये सब जो आदमी है एक्सपर्ट आदमी है होते हैं, मछली मारने वाले होते हैं और जो गंगा जी में डेली नहाने वाले होते हैं, मतलब मज़ा ही करता है। लेकिन ये गंगा जी है, अगर होते हैं तो आप नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर जाएंगे भगवान जी, ठीक है ना। गंगा जी में नहाते समय फ्रेंड्स बहुत फ्रेंड कभी आते हैं तो गंगा जी में बस ये यहाँ जो जा रहा पानी ना थोड़ा सा बस थोड़ा सा आगे तो मैं जा ही नहीं पा, इतनी मतलब इतनी डर लगता है ना कि मैं आपको चाहे बताऊँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मौसम भी बहुत है शानदार है और ये देखिए कम मौसम है, छाए हुए हैं और हम करने आए हैं ब्लॉक कटर घाट पे ही। तो फ्रेंड्स काफ़ी जो है मज़ा आएगा मुझे ये ब्लॉक करके और ये मेरा जो है 30 ब्लॉक में ये पहला ब्लॉक है बहुत ही जो है मुझे अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स इतनी सनसेट जो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी के सीजन में फ्रेंड्स लाइट आए चाहे ना है बेटा इधर आ जाओ तुम मजा आ जाए। गंगा घाट पे आके जो आदमी सैड हो जाता है ना, मतलब जिसका मतलब बहुत दुखी होता है और उसको बहुत ज़िंदगी में कठिनाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट भी आके वो आदमी बैठ जाए सुकून मिल जाए आ जाए ना, तो सुखी सुकून की जो चैन मिल जाता है आगे यहाँ बैठ जाए ना उसको सुकून मिलेगा, सुकून इतना अच्छा महसूस होगा फ्रेंड्स क्या ही बताऊँ। हमारा मन करता है कभी भी हम तो आ जाते हैं, पास में ही घर है फ्रेंड्स, बस पास में 5 मिनट का रास्ता है मेरे यहाँ गंगा जी से मेरे घर, यानी कि गुरुद्वारा महाजन टोली जिला गाजीपुर आपको पता है पास में घर है। जब जब तब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स के साथ ही अकेले और यहाँ पे जो है अभी फ्रेंड्स कोई नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ आपको शाम के समय इतनी भीड़, ठीक है। सो अब हम करते हैं ये मैंने चरण लिया है कि मैं 30 दिन में फ्रेंड्स बस गंगा जी मैया का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है, बड़े बुजुर्ग जो है ये वीडियो देख रहे हैं उनका आशीर्वाद है तो मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आने वाले समय में भी जो मैं वीडियो ब्लॉग बनाता रहूँगा वो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं ब्लॉग का डी एंड, तो फ्रेंड्स अगर अब आपसे लेते हैं हम इजाज़त, भूल चुक माफ कर दीजिएगा। सो अगर हम करते हैं ब्लॉग का डी एंड, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ये तो मेरा डायलॉग रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू।
जाएगा। मजा आया।